जानना चाहता हूँ कि एक सोशियोलॉजिस्ट या एक सोशियोलॉजी का छात्र न्यूज़पेपर को किस एंगल से पढ़ना पसंद करे, क्या कंटेंट को देखे ज़्यादा ब्रीफली और किसको छोड़ दे, इस पे भी बताइए। ठीक है, बहुत सही सही बात आपने की है। जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे लिए बहुत स्पष्ट शोध विधि है जिसे हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं, है ना, अंतर्वस्तु विश्लेषण। एक घटना विभिन्न समाचार पत्रों में छपती है, एक घटना कई दिनों तक विभिन्न समाचार पत्रों में छपती है, और आप किस विषय को सही रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से या जो भी पत्रिकाओं में लिखे हुए सामग्री हैं उनके माध्यम से समझना चाहते हैं, उनको आप बहुत गंभीरता से लें। अपने जिस चीज़ को आप देखना चाहते हैं उसको पहले चिन्हित करें। समाचार पत्र में जो प्रकाशित चीज़ें हैं आप देखें कि यह एक महीने से या एक साल से लगातार प्रकाशित हो रहा है, उस एक साल के समाचार पत्र के उस आइटम्स को आप अलग करें। उस अलग करने के बाद आप उसमें देखें कि घटना की प्रकृति, एक यूनिट, घटना के कारण, दूसरा यूनिट, घटना का परिणाम, तीसरा यूनिट, घटना में हस्तक्षेप, चौथा यूनिट, हस्तक्षेप का परिणाम, पांचवा यूनिट। इस तरीके से डिफरेंट यूनिट में समाचार पत्र में जो घटनाएं आई हैं उसको क्लासिफाई करें। क्लासिफाई करने के बाद उनको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद कितनी जगह एक चीज़ बार बार आया है, आवृत्ति है, उनको प्रथम खंड में रखें, उसके बाद वाले को द्वितीय खंड में रखें। तो इस तरीके से पांच या छः या सात जितने भी खंड आप बनाते हैं उसमें प्रायोरिटी या वरीयता के आधार पर तथ्यों को आप सजा लेते हैं। वो सजाने के बाद फिर होता है कि आप किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, आपका अपना अनुभव, आपकी अपनी सूचना और समाचार पत्र के इतर माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उस घटना की व्याख्या आप करते हैं तो आप निष्कर्ष पहुंचने के नज़दीक आते हैं। और इस विधि पर व्यापक चर्चा की जाती है, वह है कंटेंट एनालिसिस या अंतर्वस्तु अध्ययन के रूप में, जो समाचार पत्र या लिखित सामग्रियों के मध्य पाई जाने वाली जो विविधताएं हैं और समानताएं हैं उस पर हमें किसी निष्कर्ष की ओर ले जाने में सहायता देती है। देखिए, आप लोगों ने जितने भी प्रश्न पूछे थे, जो मैंने मांगे थे, किसी ने व्हाट्सएप में दिए या आपने मेरे मेल में भेजे, वो मैंने दोनों अपने साथी प्राध्यापकों के सामने रखा था, जिसमें ठाकुर सर ने शुरुआत से ही बताया कि समाजशास्त्र क्या है, उसका महत्व क्या है, समाजशास्त्र में लघु और बृहत, है ना, गुणात्मक गणनात्मक, इसके बाद तकनीक के समाजशास्त्र के लिए शर्मा सर ने बहुत ही साधारण से उदाहरण देके आपको बताने का प्रयास किया कि तकनीक क्या है, तकनीक क्यों लेना चाहिए और तकनीक के दुष्परिणाम भी क्या हैं। और इसके साथ देश और सोशियोलॉजी की भी बात करी, जो कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि वास्तव में हम अपनी परंपराओं से अलग हट गए हैं और यूरोपियन थॉट को लेके हम चल रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में जितनी भी समस्याएं प्रॉब्लम हो रही हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं, अभी सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, जितने भी सोशियोलॉजी के टीचर, आज भी सवेरे भी PhD बारे में बात हुई थी, हम समाजशास्त्र की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमसे बेटर तो देखा जाए आज के पत्रकार हो गए, वो फील्ड में जाते हैं, फील्ड से डेटा लाते हैं, फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। हमारे पास क्या रेडी, जो नकल की बात आई ना वो वही है, हम जो मिल जाता है इंटरनेट से खंगालते हैं उसको देख के करते हैं। फील्ड में आजकल मैं सोच रहा हूँ कि 1960 के बाद से अधिकतर जो भारतीय रिसर्च जितनी भी आई हैं वो फील्ड बेस्ड की नहीं है,
इसके लिए हम अग्रणी श्यामाचरण दुबे जी हैं, एम एन श्रीनिवास हैं, बृजराज चौहान जी हैं, है ना, एल पी विद्यार्थी हैं। एक लंबी परंपरा थी 65 और 70 के आसपास तक, लेकिन 70 के बाद से धीरे 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 ये हमारे यहाँ का जो फील्ड स्टडी वाला था वो ख़त्म होता जा रहा है, और ये वाला पक्ष पूरा का पूरा चला गया हमारा, देखें पत्रकारों के पास। तो हमको इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने विषय की सार्थकता विषय के साथ रखें, क्योंकि पत्रकार क्या है, पत्रकारिता के साथ पे रखता है, उसको मालूम है ना कि न्यूज़ चैनल पर कौन सी न्यूज़ चलेगी, वो उसी चैनल में वो स्पीच को भले ही आत्महत्या की बात हो या मॉब लिंचिंग की बात हो या फिर कोई जैसे घरेलू हिंसा की बात हो तो उसको उस एंगल से देता है, लेकिन समाजशास्त्री क्या है, समाजशास्त्री एंगल से देता है। तो हमारे द्वारा दिया गया एंगल, ये जो बात है ना, राष्ट्र निर्माण में तभी सिद्ध हो सकता है जब समाजशास्त्रियों के आधार पर होगा। आपने देखा होगा श्यामाचरण दुबे जी हों या फिर एम एन श्रीनिवास, उन्होंने जो बात की थी वो आज भी चल रही है, उसमें सभी को मतलब उसके फॉलो करना पड़ता है, उसमें ध्यान देना पड़ता है, पर हम आजकल नहीं कर रहे। तो हमारे जितने भी हैं, तो हमारा ये प्रयास ये था टॉप का कि इसके माध्यम से धीरे धीरे ऐसे हम नए नए विषय उठाएंगे, और जो हमारे साथी प्राध्यापक हैं जिन जिन का हमको समय समय पर लाभ मिलता जाएगा उनको रखेंगे, पहले से 15 दिन पहले उनके पास हम प्रश्न देते हैं जिससे कि वो प्रिपरेशन करके आए और आपको उनका समाधान कर सकें। इसमें मैं आज श्री सी एस एस ठाकुर सर और श्री शर्मा सर का अत्यंत आभारी हूँ कि जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से आपको जो हमारी जिज्ञासाएँ थी, हमारी जानकारी थी, हालांकि बहुत थोड़ा यहाँ पे इंकन्वीनियंस भी हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने अपने लेवल को उसको देने का प्रयास किया। इसी अवसर पर मैं मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से चाहता हूँ कि गजानन मिश्रा जी एक छोटे सा वो है वो देखे कैसे ठाकुर सर का सम्मान करें। इसी क्रम में श्री शर्मा सर का सर, कॉफी चलाओ भाई, नाउ द फ्लोर इज ओपन। ये पूरा कार्यक्रम था मतलब एक सामान से था कि जनरल चर्चा के द्वारा अपन समाजशास्त्र को समझें, जो होता ना कि समाजशास्त्र को सामान उसमें समझाया जाए, कोई क्लिष्ट भाषा नहीं, जिससे कि आप जब क्लास में जाएं उसी आधार पे आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। तो ये इसलिए एक सामान सी, उसका नाम ही रखा था कॉफ़ी विद सोशियोलॉजिस्ट, तो ये आपको कॉफ़ी सर्व की जा रही है कॉफ़ी में, और इसी तरह से अगली बार भी आपको बुलाया जाएगा तो उसमें आप लोग का और नए नए क्वेश्चन आएंगे नए विषय पे, तो उसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं, और ये कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाएगा। थैंक यू।